सबसे पहले आप सभी को सादर प्रणाम। और फिल्म का नाम ही है जलवा, और काशी जो जगह है बाबा विश्वनाथ की नगरी है, यहाँ का जलवा आप सभी जानते हैं, जहाँ पे बाबा विश्वनाथ खुद हैं, जहाँ पे दर्शन करने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। तो यहाँ का जलवा मतलब जितनी भी इस जगह की तारीफ़ की जाए कम होगी। और काशी के आजू बाजू की रही बात, तो आज भोजपुरी भाषा के माध्यम से, हमारे गानों के माध्यम से, हमारे फिल्म के माध्यम से यूपी बिहार ही नहीं पूरे देश विदेश में भोजपुरी का जलवा है। तो हम लोग का सौभाग्य है, और मेरा ये सौभाग्य है कि जलवा टाइटल मुझे मिला, तो इसका क्रेडिट जाता है हमारे लोकेश मिश्रा सर जो प्रोड्यूसर हैं उनको, और सुजीत सर को। और जलवा की शूटिंग इस काशी नगरी में हो रही है। देखिए, जो नहीं सोचे होंगे हम लोग कोशिश करेंगे कि वो जलवा दिखाएं, क्योंकि जलवा टाइटल रखने से नहीं होता है, जलवा का जलवा दिखाना पड़ेगा, जलवा बरकरार रहे, इसीलिए जलवा को हम एकदम अच्छे से जलवा दिखाएंगे। और जैसा कि सर ने बताया कि इसमें हर फिल्मों का एक उद्देश्य होता है कि कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जाए, तो मैं इस फिल्म में भी जो मैं रियल में हूँ या देश में हमारे कहीं ना कहीं जो भी हमारे देश के यूथ को प्रॉब्लम है उस चीज़ को हम दर्शाएंगे, एक संदेश देंगे। और एक बाप बेटे का जो रिलेशन होता है उसमें आप लोगों को जलवा देखने को मिलेगा। फिल्म है तो रोमांस होगा, तो रोमांस का भी जलवा देखने को मिलेगा। फिल्म में हीरो है तो एक्शन का जलवा देखने को मिलेगा। और कुल मिला के हम लोग का यही है कि सामाजिक संदेश भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के माध्यम से मिलेगा। फैमिलियर के साथ साथ इंस्पिरेशन भी, हाँ फैमिलियर के साथ साथ इंस्पिरेशन देना जरूरी, क्योंकि हम लोग जो दिखाएंगे वही दर्शक देखते हैं। और एक ये इस फिल्म का जो हीरो है, आजकल के जो अभी चल रहा है उस समय का एक बच्चे की स्टोरी है, एक यूथ की स्टोरी है। यूथ आजकल जो बेरोजगार है, उनकी रोजगार की कमी है, उस चीज़ को दिखाया जाएगा। एक ऐसा लड़का है जिसको जिसका बाप का सपना होता है, उसको पूरा करने के लिए वो क्या क्या जलवा बिखेरता है, आप लोग को इस फिल्म में देखने को मिलेगा।